हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। इस लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई नवेस्टिन इन द लिलिएशियस प्लांट्स लाइक लीलियम एंड फ्राइटिलेरिया। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवेस्टिन ने लिलिएशियस प्लांट्स में की, एग्जाम्पल लीलियम एंड फ्राइटिलेरिया। डबल फर्टिलाइजेशन में इफ़ यू विल सी मेल गैमिटोफाइट में टू मेल गैमिट्स आर प्रेजेंट। वन मेल गैमिट फ्यूजेज विद द फीमेल गैमिट, दैट इज एक्सेल, एंड सेकेंड मेल गैमिट फ्यूजेज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो यहाँ पर दोनों ही मेल गैमीट का फ्यूजन होता है, एक का एक्सेल के साथ, दूसरे का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर अ पॉलन ग्रेन हैज़ रीच्ड द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा, इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स अ पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंचता है तो इसका जर्मिनेशन होता है और इसमें पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है, विच पेनिट्रेट्स द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी चैम्बर एंड देन एंटर्स ओव्यूल। जब इसमें पॉलन ट्यूब फॉर्म होने लगती है तो ये पेनिट्रेट करता है स्टिग्मा को, ओवरी को एंड ओवरी चैम्बर। पेनिट्रेट करते हुए ये एंटर करता है ओव्यूल में। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज गाइडेड बाई द केमिकल सिक्रीटेड बाई द सिनर्जिड्स। सो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को सिनर्जिड से सिक्रीट होने वाले केमिकल्स गाइड करते हैं, एंड इट यूजुअली एंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। सो यूजुअली पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर होता है माइक्रोपाइल के थ्रू। सो ये पॉलन ट्यूब एंटर्स इन द ओव्यूल बाई थ्री वेज। इट कैन एंटर through the micropyle, it can enter through the chalaza, or it can enter through the integuments. Usually pollen tube enters ovule through micropyle. Usually jo pollen tube hai ovule mein micropyle ke through enter hota hai, and it is termed as porogamy. But in some cases it is found to enter through chalaza. Some cases mein dekha gaya hai ki pollen tube chalaza ke through enter hota hai, that is known as chalazogamy. And in some plants, by piercing the integuments, that is called as mesogamy. Kuch plants mein pollen tube integuments ke through enter hote hain ovule mein. Ise hum mesogamy kehte hain. Finally, it penetrates embryo sac of ovule through its micropylar end. So finally, ye penetrate karta hai embryo sac ko, ovule ke embryo sac ko through micropylar end. Here you can see the entry of pollen tube in the ovule. So if pollen tube enters through the micropyle, that is porogamy. If pollen tube enters through the chalaza region, that is called as chalazogamy. And if pollen tube enters through the integuments, that is called as mesogamy. So agar pollen tube micropyle ke through enter ho raha hai, porogamy. Pollen tube चैलेजा के थ्रू एंटर हो रहा है, चैलेजोगैमी। एंड अगर पॉलन ट्यूब एंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर हो रहा है, मीजोगैमी। सो फाइनली ये पेनिट्रेट कर रहा है ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक को थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमिट्स पेनिट्रेट्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स। पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमिट हैं, ये सिनर्जिड को, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड को पेनिट्रेट करते हैं। Then watery content of synergid are absorbed by the pollen tube, which then rupture and release the content, including the two non-motile gametes. So, जब ये pollen tube synergid को penetrate करते हैं तो यहाँ से watery content को absorb करते हैं synergid, watery content यहाँ पर present होता है, and वो pollen tube उनको absorb करते हैं। और जैसे ही वो watery content absorb करते हैं, pollen tube tip से rupture हो जाता है, और जब रैप्चर हो जाता है तो इनके अंदर के जो नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स हैं वो एम्ब्रियो सैक में रिलीज़ हो जाते हैं।
बिकॉज यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है ये दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट को कैरी कर रहा है, इसलिए इसे हम सिफोनोगैमी कहते हैं। ये प्रोसेस को बोलते हैं सिफोनोगैमी। हैप्लॉयड मेल गैमीट विद हैप्लॉयड फीमेल गैमीट, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। दोनों मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो चुके हैं, तो दोनों मेल गैमीट कैसे हैप्लॉयड है, बोथ मेल गैमीट्स आर हैप्लॉयड। तो जब एक हैप्लॉयड मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है हैप्लॉयड फीमेल गैमीट के साथ, तो ये प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। वेयर एज इन ट्रिपल फ्यूजन सेकेंड हैप्लॉयड मेल गैमीट, अब ये जो दूसरा वाला हैप्लॉयड मेल गैमीट है इनका फर्टिलाइजेशन होता है विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये कैसे है, डिप्लॉयड है, मेल गैमीट है हैप्लॉयड। जब हैप्लॉयड एक मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है देन प्रोड्यूसिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है दैट डेवलप्स इनटू ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। ये डेवलप होता है ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म में। तो जो फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज होता है हैप्लॉयड मेल गैमीट विद हैप्लॉयड फीमेल गैमीट से, ये होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसमें जाइगोट फॉर्म होता है उसे बोलते हैं सिंगगैमी। और जो दूसरा हैप्लॉयड मेल गैमीट फ्यूज होता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सो वी कैन सी यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन में टू इवेंट्स होते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज सिंगगैमी, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं सिंगगैमी जिसमें फर्स्ट हैप्लॉयड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल। पहले हैप्लॉयड मेल गैमीट का फ्यूजन होता है एग सेल से एंड डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन होता है और यही जाइगोट डेवलप होता है डिप्लॉयड एम्ब्रियो में बाई एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड सेकेंड मेल गैमीट हैप्लॉयड मेल गैमीट का फ्यूजन होता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ देन यहाँ पेन फॉर्म होता है मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट इज़ ट्रिप्लॉयड। एंड ये डेवलप होता है इनटू एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म में। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। सो ये सिंगगैमी इज़ अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन वेयर एज ट्रिपल फ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। सो सिंगगैमी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है एंड ट्रिपल फ्यूजन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है। हियर बोथ द मेल गैमीट्स पार्टिसिपेट, यस बोथ दोनों ही मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है सो बोथ मेल गैमीट्स पार्टिसिपेट एंड देयरफॉर इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। इट इंश्योर्स इफ एग इज फर्टिलाइज्ड देन ओनली सीड इज फॉर्म, ये इंश्योर करता है कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है तभी सीड फॉर्मेशन होगा, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रिप्लॉयड पेन और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्स न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म फॉर्म करता है। डबल फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स डिप्लॉयड कंडीशन बाई सिंगगैमी, सो डबल फर्टिलाइजेशन सिंगगैमी के थ्रू डिप्लॉयड कंडीशन को रीस्टोर करता है क्योंकि यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है सिंगगैमी के बाद। इट अवॉइड्स पॉलीएम्ब्रियोनी, ये पॉलीएम्ब्रियोनी को अवॉइड करता है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म।